पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब यहाँ से विधायक हैं, वो सेलिब्रिटी हैं, बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, उनका राजनीति करने का अपना एक तरीका है। वो टोंक में जब भी आते हैं सेलिब्रिटी के रूप में आते हैं, और 2024 में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम 2023 और 24 में पुनः परचम फैलाकर टोंक विधानसभा ही नहीं जिले की चारों विधानसभा लोकसभा निश्चितम पायलट साहब चुनाव लड़ेंगे। निश्चित पार्टी जिस भी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाएगी ये विश्वास नहीं भरोसा भी है, और कार्यकर्ताओं के दम पर जनता के दम पर निश्चित टोंक विधानसभा के अंदर कमल खिलेगा। क्योंकि टोंक के जो हालात हैं जो स्थिति आज टोंक के अंदर जनप्रतिनिधि के नाम पर कोई सुनने वाला नहीं। दूसरे प्रत्यक्ष है उसके लिए हमने पार्टी के लिए काम करा, निश्चित उनको हार देखनी पड़ी वो अलग विषय है, लेकिन हमारी जनता है हमारे लोग हैं जिनने हमें विधायक बनाया, तो उनकी समस्याओं के लिए उनके आज भी हम संघर्ष करते रहते हैं, आज भी प्रशासन से उनके लिए टकराव करते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने में। आज भी चार साल से पायलट साहब मुझे नहीं पता कि सुनते होंगे, लेकिन मैं बराबर आज भी जनता के बीच में रहकर लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष करता रहता हूँ। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं टोंक के पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता। अजीत सिंह मेहता 2013 में चुनाव जीते, 2018 के अंदर उनका टिकट यूनुस खान को टिकट दिए जाने के चक्कर में एन वक्त पर काट दिया गया। हालांकि उनको प्रत्याशी घोषित किया गया लेकिन बाद में टिकट उनका काटा गया, लेकिन उन्होंने जनता से अपना जुड़ाव कभी भी नहीं छोड़ा, वो लगातार जनता से जुड़े रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कि अब आगामी जो चुनाव होने वाला है उसको लेके किस तरह की तैयारी है, क्योंकि ये माना जाता है कि सचिन पायलट यहाँ से फिर चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उनका मुकाबला किस तरह का रहेगा। वो भाजपा के संभावित प्रत्याशियों की सूची के अंदर नंबर एक पर माने जाते रहे, हम उनसे बात करते हैं, देखिए उनके क्या इरादा है, आगे किस तरह की रणनीति है, देखिए किस तरह का पूरा इरादा अब आगे है। निश्चित 2023 और 2024 का चुनाव हम सब जनता के बीच में हमारे बीच में सर पर है, और जिस तरह का वातावरण है प्रदेश में और देश के अंदर, जिस तरह के प्रदेश के जो हालात हैं, कानून व्यवस्था चरमाई हुई है, भ्रष्टाचार की चरम सीमा है, माफियाओं का राज है, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे यहाँ से भी पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब यहाँ से विधायक हैं, वो सेलिब्रिटी हैं, बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, उनका राजनीति करने का अपना एक तरीका है। वो टोंक में जब भी आते हैं सेलिब्रिटी के रूप में आते हैं, और टोंक हमारा बहुत सामान्य लोगों का शहर है, हमारे 100 लोगों की बहुत सामान्य समस्याएं हैं। यह मैं कह सकता हूं कि इन बड़े लोगों की लड़ाई में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के चक्कर में अपेक्षाएं बहुत थी टोंक की जनता को, लेकिन वो अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, और जो हालात टोंक के बने हैं निश्चित मैं कह सकता हूं कि 2013 से 18 के में टाइम जो टोंक विकास की ओर अग्रसर हुआ था वो बिल्कुल विकास डंप हो चुका है, और जनता अपने आप को ठगा हुआ भी महसूस करती है। और मुझे लगता है कि 2023 के अंदर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व के अंदर राजस्थान के अंदर, और 2024 में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम 2023 और 24 में पुनः परचम फैलाकर टोंक विधानसभा ही नहीं जिले की चारों विधानसभा लोकसभा निश्चितम जीतने की ओर अग्रसर है। देखिए देखिए मुकाबला जो माना जा रहा है, जी अगर टिकट मिलता है आपको, संभावित दावेदारी होती है, तो कुल मिला के बात यह है कि आपका मुकाबला फिर सचिन पायलट से ही हो सकता है, क्योंकि पायलट साहब को ही यहाँ से ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि वो वापस टोंक से ही अपना भाग्य आजमाएंगे, और वो इशारा भी करते रहे, किस रूप में देख रहे हैं इसको? मेरा तो व्यक्तिगत मत है कि सामने कौन प्रत्याशी होगा ये उनकी पार्टी को निर्णय करना है। पायलट साहब चुनाव लड़ेंगे, निश्चित पार्टी जिस भी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाएगी ये विश्वास नहीं भरोसा भी है, और कार्यकर्ताओं के दम पर जनता के दम पर निश्चित टोंक विधानसभा के अंदर कमल खिलेगा। क्योंकि टोंक के जो हालात हैं जो स्थिति आज टोंक के अंदर जनप्रतिनिधि के नाम पर कोई सुनने वाला नहीं, टोंक की आम समस्याएं, मैं जब विधायक था तो मुझे पता है बहुत छोटी छोटी समस्याएं, चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, सड़क की हो, नाली की हो, कोई मोटरसाइकिल पकड़ ले किसी कार्यकर्ता की तो उसके लिए भी एमएलए को फ़ोन करता था, एमएलए उनका फ़ोन अटेंड करता था, चाहे पुलिस की दिक्कत हो, चाहे गांव में कोई तंग कर रहा हो तो एमएलए उनके लिए उपलब्ध रहता था, चाहे अस्पताल की समस्या हो। मुझे नहीं लगता कि 2013 से 18 के बीच में जो हमारे सदर अस्पताल की व्यवस्थाएँ थी, जिस तरह की मजबूत डॉक्टर्स की टीम थी, बार बार विजिट करने की वजह से टोंक के अंदर चिकित्सा व्यवस्था बेहतर थी, लेकिन आज जिस तरह की हालत है कौन संभालने जाता है। मैं आपसे बोलता हूँ, चाहे नगर परिषद की बात कीजिए, चाहे पंचायत समिति की बात कीजिए,
चाहे हॉस्पिटल की बात कीजिए, आज आम आदमी भ्रष्टाचार के बिना अपना कोई काम कराने की स्थिति में टोंक में नहीं, कौन सुनता है? कई समस्या होती है, आदमी ठगा हुआ महसूस करता है। वो इतने बड़े नेता हैं कि जनता का उनसे सीधा संपर्क होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उनके जो राजनीतिक स्तर है वो बड़े लोगों से उनका टकराव है, बड़े लोगों के टकराव में अपने आप को उलझा हुआ महसूस करते हैं, जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। तो लगता है गहलोत साहब के और जो पायलट साहब का जो टकराहट थी, जिसको आप कहते हैं कि शांत हो गई है, उससे टोंक का नुकसान हुआ है काफ़ी? निश्चित नुकसान हुआ है। आप देखिए टोंक के अंदर कांग्रेस के भी कार्यकर्ता दो गुटों में बटे हुए हैं। आपने भी कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक टकराव टोंक में भी देखने को मिला था। हो सकता है चुनावी वर्ष है, उसको मैनेज कर लिया गया हो, लेकिन मनों में कड़वाहट थी। एक हाई प्रोफाइल ड्रामा रात को 1:30 बजे तक चला था, वो पूरी जनता ने देखा है, अखबार में आया है, टीवी पे आया है, आपके चैनल पे भी देखने को मुझे मिला था। तो ये सब चीज़ें जब अब जनता के सामने पायलट साहब को टोंक के लोगों ने रोक कर अपनी पीड़ा भी बताई थी, टोंक के हालात के बारे में भी कहा था, और उनको निश्चित 1-to-1 उनसे बहुत बहस भी उन लोगों ने की थी, तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर आक्रोश तो नज़र आता है कांग्रेस के लोगों के अंदर। 2018 में जिस तरह से आपका टिकट काटा गया, पहले आपको प्रत्याशी घोषित किया गया, फिर आपका एन वक्त पर टिकट काट के यहाँ से यूनुस खान जी को टिकट दिया गया, वो मंत्री थे, कद्दावर नेता थे, उनकी हार हुई यहाँ से, लेकिन जनता से आपका जुड़ाव लगातार बना रहा, तो लगता है कि जुड़ाव जो था आपका ये सहानुभूति की लहर थी, या वाकई कार्यकर्ताओं के प्रति आपका ये जुड़ाव पूरा लगातार बना रहा है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। निश्चित जनता ने 5 साल मुझे विधायक बनाकर इस जनता ने सेवा का मुझे अवसर दिया। मैं विधायक नहीं था, मेरे को टिकट मिला, कट गया, दूसरे प्रत्याशी आए, उसके लिए हमने पार्टी के लिए काम करा, निश्चित उनको हार देखनी पड़ी, वो अलग विषय है, लेकिन हमारी जनता है, हमारे लोग हैं जिनने हमें विधायक बनाया, तो उनकी समस्याओं के लिए, उनके आज भी हम संघर्ष करते रहते हैं, आज भी प्रशासन से उनके लिए टकराव करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने में, आज भी 4 से 4 साल से पायलट साहब मुझे नहीं पता कि सुनते होंगे, लेकिन मैं बराबर आज भी जनता के बीच में रहकर लोगों की समस्याओं के लिए संघर्ष करता रहता हूँ। देखिए ये बात बार बार आती है कि अजीत मेहता एकला चलो रे की नीति पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जब कोई संगठन का या किसी तरह का कोई बड़ा आह्वान होता है, प्रदर्शन होता है, तो जो भीड़ आप जुटा लेते हैं वो पूरा संगठन नहीं जुटा पाता, ये ताकत क्या है? ये मेरी ताकत नहीं है, मेरे कार्यकर्ताओं की ताकत है। वो सीधा उसका एकमात्र कारण है कि मैं जनता के बीच का व्यक्ति हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, जनता की समस्याओं के लिए लड़ता हूँ, इसलिए जनता का मेरे प्रति प्यार है। और मैं भी एक संगठन का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, संगठन भी जब कभी हमें कहता है आने को तो हम वहाँ भी उपस्थित होते हैं, ऐसा कहीं मुझे लगता नहीं है कि हम कोई संगठन से अलग हैं, लेकिन ठीक है, अब राजनीति के अंदर प्रतिद्वंद्वता रहती है, कोई ऐसा मन में सोचता हो तो हो, बाकी मेरे मन में तो इस तरह का कोई भाव है नहीं। कांग्रेस के लिए मिशन 156 हमारा है, हम फिर से जो एक परिपाटी उसको तोड़ के और फिर से राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आप खुद देखिए, राजस्थान की जनता तो उस 2023 के मतदान के दिन की बटन दबाने का इंतजार कर रही है। 2 साल आपने कोरोना के अंदर होटलों में बिता दिया, आप CMO से बाहर नहीं निकले, आपने जनता की सुध नहीं ली, आपने जो एजेंडे में वादे करे थे, चाहे किसान का कर्जा माफ़ किया हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता देने के, आप वो नहीं दे पाए, और अब 4.5 साल तक आपको जनता का ध्यान नहीं है। 6 महीने पहले आपने कैंप लगाकर कहीं बिजली के यूनिट कम करने की बात की है, कहीं आप गैस सिलेंडर में 500 रुपये देने, किसी को मोबाइल देने की बात की है, आप कल्पना करिए कि 4.5 साल तक आपने जनता को क्या सिलेंडर की जरूरत नहीं थी, क्या मोबाइल की जरूरत नहीं थी, क्या बिजली की जरूरत नहीं थी, आपने कभी चिंता नहीं करी। राजस्थान में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में मिलता है, कभी आपको उसकी चिंता नहीं। हमारे यहाँ स्टेट हाईवे के सारे टोल खत्म कर दिए थे, आपने आते वापस सारे टोल कर दिए, जनता पे तो आपने बोझ डाला है, आपको लगता ही नहीं, आपने महिला अत्याचार पे नंबर वन है, कानून व्यवस्था की चरमा स्थिति, कानून का इकबाल, सरकार का इकबाल पूर्णतः खत्म हो गया, फिर आपको पता नहीं किस आधार पर लगता है। विज्ञापनों के आधार पर माननीय गहलोत साहब अपने आप को जनता के बीच में अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन आपका काम बोलता है, आपका काम आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर जनता आपको निश्चित जवाब देने वाली है, और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर, उनके विचार को लेकर, उनके विश्वास को लेकर, सबका साथ और सबका विकास को लेकर निश्चित राजस्थान के अंदर 2023 में हम वो 156 कहते हैं, हमें 160 के आंकड़े को भी ऊपर जाकर राजस्थान में माननीय प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी के नेतृत्व में पुनः राजस्थान के अंदर एक मजबूत सरकार देने वाले, और जनता को जो वादे करेंगे उनको पूरा करने का काम भी करेंगे, और तुरंत 2024 के अंदर राजस्थान के अंदर 25 की 25 लोकसभा सीटें नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम जीतने वाले हैं, क्योंकि एक वातावरण है, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में नियमित हम लोग रहते हैं, जनता त्रस्त है, जनता अपने आप को बहुत परेशान और ठगा हुआ महसूस कर रही है, परिवर्तन निश्चित नजर आ रहा है। लेकिन देखिए बार बार जगह जगह से एक आवाज़ उठती है कि यदि वसुंधरा राजे जी को
चेहरा घोषित नहीं किया जाता है भाजपा का, तो भाजपा वो चमत्कारी आंकड़ा हासिल नहीं कर पाएगी, इसको लेके क्या कहेंगे? देखो, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारा शीर्ष नेता हमारा कैडर बेस पार्टी है, हमें जो भी आदेश देगा वो हमें स्वीकार्य है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस बात को मानता है कि हमारा नेता देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है और उनके नेतृत्व के अंदर निश्चित हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे 23 हो चाहे 24 हो, देश का किसी भी स्टेट का चुनाव हो, हम उसके नेतृत्व में उस सबका विश्वास पूरे देश के 140 करोड़ जनता का हृदय सम्राट है, देश में नहीं दुनिया में अपना परचम फहराया है, एक विश्वास और एक भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री जी पे, उनकी योजनाओं पे, उनके विकास पे, कोरोना मैनेजमेंट पे, हम सब लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि हम इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसका नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी करते हैं, उनके नेतृत्व में निश्चित आने वाले टाइम के अंदर विधानसभा लोकसभा जीतेंगे और जो भी हमारा देश के प्रधानमंत्री हमारे नेता निर्णय करेंगे वो हमारे लिए स्वीकार्य है। ये थे टोंक के पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता, जिनका कहना था कि कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस का जो सरकार बनाने का सपना है दोबारा से, वो पूरी तरह से उनके लिए छलावा साबित हो सकता है। वो मिशन 156 की बात करते हैं, लेकिन अजीत सिंह मेहता कहना है कि भाजपा 160 सीटों पर जीतेगी, टोंक की जो चारों विधानसभा क्षेत्र हैं वो भी उनमें शामिल हैं, वहाँ जीत हासिल की जाएगी। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।